आज हम लोग स्पोर्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में ये बात है कि ज्यादा जो है तो करंट से टॉपिक ज्यादा जानना है, ठीक है। हम लोग को मेन इसमें क्या जाना है, करंट का टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है टॉपिक? तो स्पोर्ट्स झारखंड जानने से पहले यहाँ पे जैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स से, वो जानना है। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछने का जो यहाँ पर मेन मेन क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले जो फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज फॉर फ्रॉम स्पोर्ट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स से जो फेमस पर्सनालिटीज होती है यहाँ पे, ठीक है। फेमस पर्सनालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसे जानकारी प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो जुड़े हुए लेंगे, जैसे बात करें क्रिकेट से तो महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, सौरभ तिवारी, वरुण नेरोन और बहुत सारा है। उसका तीरंदाजी से आर्चरी से रिलेटेड जो लोग, दीपिका कुमारी, ठीक है, कोमलिका बारी, ठीक है, और उसके बाद आपके जो हॉकी से रिलेटेड, हॉकी से रिलेटेड जो लोग, ठीक है, वो सब बेसिकली उसके बारे में जानना है। और वो कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अरुणा मिश्रा, ठीक है, अरुणा मिश्रा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि हमें अरुणा मिश्रा हो गया, या फिर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, या फिर दीपिका कुमारी के बारे में, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका क्वेश्चन पूछने का रीजन ये है क्योंकि वो उस टाइम जो है सो एक जो स्पेशल कोई बहुत बड़ा ओकेजन में वो लोग मेडल वगैरह जीते हैं, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद जो अलग अलग जगह पे जो अलग अलग स्टेडियम, ठीक है, जो अलग अलग जगह पे स्टेडियम है, अलग अलग जगह पे जो स्टेडियम है, जैसे कि बात करें अगर हम यहाँ पे जो जेएससीए स्टेडियम बना है उसके बारे में हर चीज जानना है कि स्टेडियम कब बना, पहला मैच कब हुआ, स्टेडियम का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, वो सब चीजों के बारे में जानना। और जो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेडियम है, जैसे कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, मोहन आहूजा स्टेडियम कहाँ है, ठीक है, उसके बाद जो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ, अलग अलग स्टेडियम है ना अलग अलग जगह में, वो जानना है, ठीक है। उसके बाद जो झारखंड गवर्नमेंट का कुछ कुछ न्यू पॉलिसीज आया है, जैसे कि अभी करंट इवेंट में बात करें तो इन करंट सिचुएशन में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा पॉलिसीज और बहुत सारा ये अभी जैसे हाल ही में झारखंड खेल नीति भी लाया गया है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, गवर्नमेंट एफर्ट्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है, यानी कि इसमें जैसे कि ये इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आ जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या बताया गया है, या फिर बजट में क्या क्या एलोकेशन किया गया स्पोर्ट्स को लेकर। अभी जैसे कल ही या परसों ही, ठीक है, पर दो तीन दिन पहले स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को सम्मान दिया गया, बहुत सारे लोगों को जो सो ये क्या बोलते हैं सहायता दिया गया, ठीक है, नगद राशि 5 करोड़ टोटल जो है सो
5 करोड़ का टोटल रेवेन्यू का एलोकेशन किया है, ठीक है। तो अलग अलग जो यहाँ के पर्सनैलिटी जो अलग अलग स्पोर्ट्स में जीत के आए थे, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ के पर्सनैलिटी जो ओलंपिक में खेले हैं सोनर, या फिर एशियन गेम्स में खेले हैं और वहां से अवार्ड वगैरह जीत के आए हैं, ठीक है। तो हम लोग को मेन उसके बारे में जानना है, अगर उतना जानेंगे तो बहुत सारे पर्सनैलिटी उतना पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ के जो लोग जो कि जो अलग अलग जो गेम्स है, ठीक है, उसमें अपना प्रतिनिधित्व की, ठीक है। स्पेशली बात करें अगर आप झारखंड के बारे में, ठीक है, तो कुछ कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स है जिसमें झारखंड काफी आगे है, ठीक है। इसमें जैसे आर्चरी हो गया, या फिर हॉकी हॉकी हो गया, ठीक है, हॉकी हो गया, या फिर फुटबॉल हो गया, ठीक है, आर्चरी हो गया, ठीक है, तो ये सबसे जो रिलेटेड जो पर्सनालिटी है उसके बारे में जानना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि जयपाल सिंह का क्या रोल था, तो जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका संबंध जैसे स्पोर्ट से भी है और जैसे पॉलिटिशियन भी है, ठीक है, और जो स्पोर्ट्स में जो तो ये हॉकी का स्पोर्ट्स में जिसमें झारखंड ये भारत ये जो उसमें तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से खेलता था, तो बहुत बार जो है तो वो स्पोर्ट्स से मतलब वो अगर बात करें 1928 में जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, उसमें ये गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, जो तो गोल्ड मेडल उसमें कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह। उसके बाद उसी टाइम कुछ अलग अलग पर्सनालिटी भी थे, ठीक है, जिसका हाल ही में डेथ हो गया है अभी, जैसे माइकल फिंडे, ठीक है, सोनर है, तो वो सब के बारे में हम लोग को जानना है। और कुछ फेमस फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, उसके बाद माउंटेनिंग में भी यहाँ से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ माउंटेनिंग में अगर बात करें जैसे प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है, अरुणा मिश्रा क्या चीज से जुड़ी है बताओ, बॉक्सिंग से, ठीक है, अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से नॉर्वे में आयोजित हुआ था, उसमें जो है सो बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल उसको मिला था, ठीक है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में से करंट से रिलेटेड को व्यक्ति जो है सो जैसे जो माउंटेनिंग से जैसे अस्मिता दोराब जी, ठीक है, जो अस्मिता दोराब जी है ये जो माउंट में चढ़ी है माउंट एवरेस्ट में और बिना ऑक्सीजन के, ठीक है, तो ये मतलब ये जानना है कि हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है, इसीलिए बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है वो दायरा जानना, समझ रहे अस्मिता द्वारा, ठीक है, तो ये कहां से जमशेदपुर से पर्सनालिटी थी, ठीक है। अलग अलग जो बात करें हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स में जो अलग अलग पर्सनालिटी जुड़े हुए, ठीक है, और हम लोगों को अगर पर्सनालिटी का बात करें तो वैसा पर्सनालिटी जो कि कुछ इवेंट में या फिर ओलंपिक हो या फिर नेशनल लेवल में उस खेल में पार्टिसिपेट करके विनर बनी, ठीक है, आखिर चर्चा का विषय कब होता है, हाँ तो उसी के बारे में उनको जानना है, समझना है। और जैसे कि यहाँ पे नेशनल गेम हुआ एक बार, ठीक है, तो उस नेशनल गेम के बारे में जानना है, ठीक है, कि टोटल जो नेशनल गेम्स है कब हुआ था, कहां पर हुआ था, कौन सा स्टेडियम में हुआ था, कौन जो है सो वो मसाल जलाने था, कौन कौन थे, या फिर टोटल कितना प्लेयर वो जो कितना टोटल ये झारखंड जीता था, कितना मेडल जीता था, ठीक है,
वो सब। उसके बाद हाल फिलहाल में जो करंट कुछ इवेंट्स हुआ है, करंट इवेंट जो झारखंड में हुआ है, ठीक है, ऐसा इवेंट्स जो कि नेशनल लेवल से जुड़ा हुआ है और झारखंड में हुआ है, ठीक है, वो सब चीजों के बारे में जानना है। तो कुल मिला के बात ये है कि हम लोग जो करंट वाला टॉपिक है वो तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल तरीके से जो कहीं को स्टेडियम है या फिर जो स्पोर्ट्स हुआ है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है, समझ आ रहा बात को। ये ओवरव्यू एक दायरा है कि हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है, समझ आ रहा। तो जैसे बात करें अगर कुछ जो ट्रेडिशनल पॉइंट है, जैसे कि अगर यहाँ पे कौन कौन सा स्टेडियम है, ठीक है, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, कौन सा स्टेडियम, उसके बारे में जानेंगे लोग, ठीक है। स्टेडियम इन झारखंड, ठीक है, ये जो है सो ये जो 7 JPC में पूछा गया था और 6 JPC में जो कौन सा स्टेडियम कहाँ है वो ज्यादा नहीं है, फिर उनको याद रखना है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि JSCA स्टेडियम, ठीक है, JSCA स्टेडियम ये कहाँ पे है, रांची में, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, रांची में कहां पे है, धुरवा में, ठीक है, और ये 2013 में बना। हम लोग इसके बारे में और भी देखेंगे, जैसे कि इनॉग्रेशन के टाइम कौन या फिर कब उसका पहला मैच हुआ था, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। अभी ये सिर्फ ये जानो कि कौन सा स्टेडियम कहां पे है, ठीक है, समझना है आपको। देखो बिरसा रेलवे स्टेडियम, बिरसा रेलवे स्टेडियम, ठीक है, ये भी जानो कि रांची में है। शताब्दी स्टेडियम रांची में, जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में, ये 1928 में बना है। वो जैसे कुछ कुछ कंफ्यूजन है छोड़ दो, जो जो डेट जो शताब्दी स्टेडियम रांची में है सिर्फ ये जानो। जयपाल सिंह मुंडा जो जयपाल सिंह स्टेडियम है रांची में 1978 में बना है। अभी रांची जानो बताएंगे, रांची में है शताब्दी, शताब्दी स्टेडियम रांची में, ठीक है। उसके बाद बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, ये भी रांची में है, 2009 में बना है। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, जैसे जयपाल सिंह स्टेडियम बात की रांची में, ठीक है, और बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम ये रांची में है, 2009 में बना। उसके बाद है बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, जो एस्ट्रोट्रम
हॉकी स्टेडियम है, एस्ट्रोटर्फ समझ आता है? वो सर उसे पता है हम लोग जैसे हॉकी में बहुत मेडल पहले जीत रहे हैं, ये क्यों नहीं जीतने लगा भाई, इंडिया मेडल क्यों नहीं? मेन इसका रीजन यही था कि स्टार्टिंग में ये सिंपल ग्राउंड में मैच होता था, ठीक है, बाद में उसको एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में मैच कराया जाने लगा और उसके उसका हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं तैयार, ठीक है, क्योंकि लगातार 5 बार गोल्ड मेडल जीता है भारत। लास्ट में क्या बोले थे, दूसरा मुद्दा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, वो हॉकी का स्टेडियम है एस्ट्रोटर्फ, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड होता है। हाँ बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कब बनाया? ये एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है, ये बना है 2009 में होटवार रांची में। देखो जो होटवार रांची में जितना भी स्टेडियम है एक्चुअल में खेल गांव का जो कॉम्प्लेक्स है ना उसी के अंदर है सारा, ठीक है। हाँ खेलगांव का जो कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर है। हाँ बहुत सारा स्पोर्ट्स का है, जैसे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स जो पूरा है, ठीक है, ये होटवार रांची में 2009 में बना है। जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स 2009 रांची 2009। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये भी रांची में है, ठीक है, और 1991 में बना है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रांची में 1991 में। मैकॉन स्टेडियम रांची में 1984 में। मैकॉन मैकॉन है ना यार, वो बात किए थे ना मैकॉन के बारे में, मैकॉन का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किए थे, और मैकॉन के बारे में क्या बात की थी, क्या चीज बनता है यहाँ पे, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है मैकॉन? सेल के अंदर है ना, बात किए थे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उसी में मैकॉन जो है ना कॉम्प्लेक्स उसी में मैकॉन स्टेडियम है और ये बना था 1984 में। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे इतना जो हम लोग बात किए सारा रांची में, ठीक है, जैसे जीएससीए स्टेडियम रांची में धुरवा में 2013 में बना है, बिरसा रेलवे स्टेडियम रांची में लिखवाए हैं वो तुम लोग देखो एक बार बता रहे, रांची में रेलवे स्टेडियम उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जेएससीए स्टेडियम, ठीक है, 2013 में रांची में है, बिरसा रेलवे स्टेडियम ये भी रांची में है, शताब्दी स्टेडियम रांची में है, जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे, रांची में, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम जो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड है ये होटवार रांची में है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स होटवार रांची में है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रांची में और मैकॉन स्टेडियम रांची में, ठीक है। उसके बाद है हम लोग जमशेदपुर में जैसे किनन स्टेडियम, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो क्रिकेट स्टेडियम पहले किनन में भी था, ठीक है, किनन स्टेडियम कहाँ पे जमशेदपुर में, वहां पे भी जैसे इंटरनेशनल मैच हो चुका है, वहां पे भी इंटरनेशनल मैच हुआ किरण स्टेडियम, किरण स्टेडियम जो 1939 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये टाटा स्टील जो है उसके तहत ये स्टेडियम है, ठीक है, टाटा कंपनी का।
टाटा ग्रुप का है इनन स्टेडियम। उसके बाद जैसे जो कंफ्यूजन आता है मोहन आहूजा स्टेडियम और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ठीक है, बहुत बार जैसे पूछा है क्योंकि उसका नाम में कंफ्यूजन। तो जो मोहन आहूजा इंडोर बैडमिंटन का स्टेडियम वो है जमशेदपुर, ठीक है, और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा संचालित होता है वो है बोकारो। समझ जो मोहन आहूजा स्टेडियम है, मोहन आहूजा इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम, ये है जमशेदपुर में, और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम वो बोकारो स्टील प्लांट के तहत चलता है, वो है बोकारो में। हाँ तो दोनों एक जगह लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं करो, ठीक है। मोहन कुमार मंगलम सर, हाँ मोहन कुमार मंगलम। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में 1991 में बना है। इंडोर स्टेडियम, ये नहीं मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम वो है, वो सिर्फ स्टेडियम है, ठीक है, और जो हम लोग बात किए मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है, वो 1991 में। और गोल्फ मैदान जैसे दो जगह जमशेदपुर और धनबाद में, और वही गोल्फ मैदान में क्या चीज हुआ था, ठीक है, हाँ जमशेदपुर और धनबाद में। जमशेदपुर और धनबाद में शहीद निर्मल महतो स्टेडियम जमशेदपुर में 1985 में बना था। स्टेडियम जमशेदपुर में हाँ। और हम लोग क्या बात किए थे कल परसों जमशेद ये निर्मल महतो के नाम पे क्या बना है, कौन सा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पहले क्या नाम था उसका, पीएमसी। और यहाँ पे भी हजारीबाग में भी है ना निर्मल महतो के नाम से, हाँ। और निर्मल महतो क्या चीज से जुड़े थे, इसका फाउंडेशन कहाँ से, तो आज का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था उसमें इसका भी नाम, हाँ। अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम खरसावा में, आर्चरी स्टेडियम है, ये एक छोड़ दो। टाटा डिगवाड़ी स्टेडियम धनबाद में और रेलवे स्टेडियम भी धनबाद में, टाटा डिगवाड़ी स्टेडियम धनबाद में और रेलवे स्टेडियम धनबाद में, रेलवे स्टेडियम जो धनबाद में 2008 में बना था। डिगवाड़ी एक जगह है धनबाद, टाटा डिगवाड़ी स्टेडियम धनबाद में, वो लगेगा जैसे जमशेदपुर में लेकिन धनबाद में, रेलवे स्टेडियम धनबाद में, टाटा रेलवे सिर्फ रेलवे स्टेडियम 2008 में बना, रेलवे स्टेडियम धनबाद 2008। उसके बाद हजारीबाग स्टेडियम को कर्जन ग्राउंड भी बोला जाता है, हजारीबाग में 1988 में बना, हजारीबाग स्टेडियम या कर्जन ग्राउंड, हजारीबाग में 1988 में। कोविड 1988 में
अल्वा टेक का स्टेडियम गुमला और सिमडेगा, ठीक है, गुमला में भी और सिमडेगा में भी। ठीक है, सिद्धू कानू इंदौर स्टेडियम ये है दुमका में, और सिद्धू कानू स्टेडियम सिर्फ बोलेगा तो साहेबगंज में और रामगढ़ में। सिद्धू कानू इंदौर स्टेडियम दुमका में और सिद्धू कानू स्टेडियम है तो वो साहेबगंज और रामगढ़ में। मोहन कुमार मंगलम बताएं, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है बोकारो में और सेनापति स्टेडियम बोकारो में। इंदौर वाला है सर, मोहन कुमार मंगलम बोकारो। सेनापति स्टेडियम अब जैसे यहाँ पे अभी बहुत जगह आया था आउटडोर और इनडोर, ठीक है, सेनापति स्टेडियम बोकारो में बहुत जान है, उतना जानना है। देखो अब यहाँ बहुत सारा जगह है जैसे इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम, समझ आता क्या होता है इंडोर और आउटडोर? बारिश का खतरा, जो क्लोज इन्वायरमेंट में जो गेम खेला जाता है ना वो इंडोर स्टेडियम में होता है, ठीक है, जैसे तुम्हारा कार्ड का गेम हो गया या फिर जैसे डाइस हो गया, कैरम हो गया, ठीक है, वो सारा। अगर आउटडोर स्टेडियम का बात करेंगे जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ठीक है, क्रिकेट वगैरह हो गया, सब आउटडोर स्टेडियम, ठीक है, समझ आया? इंडोर और आउटडोर, टेनिस दो इंडोर आउटडोर दो बता सकते हैं। अब टेबल टेनिस तुम खेलना है तो क्या इंडोर स्टेडियम, लॉन टेनिस भी इंडोर हो गया, हाँ लॉन टेनिस भी हो जाएगा इंडोर। आउटडोर मतलब तुम थोड़ा कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, सर प्रो कबड्डी होता तो इंडोर स्टेडियम होता है। हाँ प्रो कबड्डी, हाँ कबड्डी तो इंडोर भी होगा, इंडोर में होता है सर, दोनों जगह होता है सर, इंडोर आउटडोर, जहाँ इंडोर स्टेडियम होगा इंडोर, अभी चाइना में आउटडोर में सर। क्रिकेट भी सर ऑस्ट्रेलिया में इंडोर बन गया है, और तो सऊदी में भी खेलगांव के नाम से जानते हैं, ठीक है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स, उस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम, ठीक है, जो खेलगांव में वहाँ बहुत सारा अलग अलग स्पोर्ट्स गेम होता है, और अलग अलग स्पोर्ट्स का अलग अलग पर्सनालिटी के नाम पे जो है वो अलग अलग स्टेडियम है, ठीक है, लेकिन वो जो पूरा कंबाइंड करके जो पूरा खेलगांव है, क्या नाम है उसका, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसमें बहुत सारे जैसे आउटडोर स्टेडियम भी है, जैसे कि बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम जो है वो आउटडोर स्टेडियम वहीं पे है, ठीक है, ये जान तो सिर्फ की जो है तो वहां पे बहुत सारा अलग अलग स्पोर्ट्स का अलग अलग पर्सनालिटी के नाम पे अलग अलग जो है सो है ब्लॉक, ठीक है, जैसे तुम साफ जैसे देखेगा तो सामने दिखेगा, ठीक है, तुम राव सिंह से शूटिंग, वो शूटिंग का रेंज जैसे रास्ता में उस आ जा रहे, जैसे मित्रा जी से
अरे जो खेलगांव में है क्या बोले समझ आ रहा है? खेलगांव में पूरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें अलग अलग स्टेडियम है, ठीक है, जैसे बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम है, ठीक है, उमराव सिंह शूटिंग रेंज है, ठीक है, बिरसा बुद्धू भगत जल क्रीड़ा स्टेडियम है, जल क्रीड़ा स्टेडियम मतलब समझा, ठीक है, सिद्धू कानू वेलोड्रम है, वेलोड्रम क्या समझते कुश्ती सर, हाँ अलग अलग सबका कॉम्प्लेक्स है, इंदौर स्टेडियम है, विश्वनाथ सहदेव इंदौर स्टेडियम है, ताना भगत इंदौर स्टेडियम है, गणपत राय इंदौर स्टेडियम है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का नाम है शेख भिखारी के नाम से, शेख भिखारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक सर, जहाँ खेल रहा है ब्लॉक का नाम, ब्लॉक में पूरा खेलगांव कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग गेम का अलग अलग स्टेडियम है और अलग अलग पर्सनालिटी के नाम से स्टेडियम है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ना, जैसे खेलगांव तुम जाएगा वो साफ देखना, जो रास्ता में सर इधर लेफ्ट साइड खेलगांव हल्का आगे बढ़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिखता है, मतलब ब्लॉक के अंदर है खेलगांव, तो शेख भिखारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ठीक है, तो ये स्टेडियम जानना है, ठीक है, इसको बस ये है कि तुमको जानना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, अब जैसे माने जो यहाँ पे नेशनल गेम हुआ था, ठीक है, उसके बारे में जानना है, कौन सा नंबर का नेशनल गेम था, 34, ठीक है, याद रखना इसको, कब हुआ था, 2011 में, ठीक है, 2011 में हुआ था 34, 12 से 26 फरवरी के बीच में, हुआ था, और उसका मस्कट था, ठीक है, मस्कट क्या था, छौवा, हाँ हिरन का बच्चा, शुभंकर, जैसे देखो अरे कोई भी गेम होता है उसका मस्कट एक तैयार किया जाता है, ठीक है, तो लोगो सर, हाँ लोगो लोगो, हिरन का बच्चा, जो उस टाइम जो गेम स्टार्ट हुआ था उसमें जो ओपनिंग सेरेमनी जो है तो जो उद्घाटन समारोह किया गया था वो MOH फारूक, जो उस टाइम के कौन थे, MOH फारूक राज्यपाल गवर्नर, ठीक है, और जो इसका समापन जो हुआ था उस टाइम सुरेश करमाणी के द्वारा, सुरेश करमाणी उसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा में भी आए थे, पता है सुरेश कलमाणी, ठीक है, MOH फारूक, और जो गेम स्टार्ट हुआ था ये पहला ओकेजन सॉरी वो बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम जो है वहाँ पे, ठीक है, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, सुरेश करमाणी, MOH फारूक, कौन फारूक गवर्नर, सुरेश करमाणी, सुरेश करमाणी समापन समारोह के बारे में बात कर रही है,
और हम लोग सुमेश कर्माणी के बारे में बात चर्चा में थैंक यू बोले थोड़ा हाँ थैंक यू बोलने का काम किया गया थैंक यू समाप्त हो गया स्टेडियम गिरने वाला है बहुत ज्यादा जो घोटाला हुआ था बहुत बड़ा दिल्ली में हुआ था ना थी दिल्ली में क्या हुआ कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुआ और स्टेडियम खत्म गिर गया गया था सही में जो झारखंड टीम का नेतृत्व किया गया था पूरे झारखंड टीम का वो बिमल लकड़ा के द्वारा किया गया था ठीक है बिमल लकड़ा इनके द्वारा जो नेतृत्व किया गया था पूरा यहाँ झारखंड टीम को छुआ जो है सो हिरन का बच्चा नाम और जो ओकेजन सेरेमनी में जो मसाल स्टार्टिंग में होता है मसाल दीपिका कुमारी के द्वारा लाया गया था और सारे पर्सनालिटी थे लेकिन जैसे सिलवाल में डुमडुम सिलवाल डुमडुम कौन से ठीक है उसके बाद अरुणा मिश्रा जो बात की क्या जिसकी प्लेयर थी बॉक्सिंग और सुमरोय टेटे तो ये सब जो है सो खेल मसाल प्रज्वलित करने में उनका नाम था ठीक है मसाल जलाने में जैसे कि दीपिका कुमारी और बहुत लोग था सर बहुत सारे लेकिन जो स्टार्टिंग में मसाल स्टार्ट हुआ था वो दीपिका कुमारी लेके आई थी ठीक है उसके बाद है कि यहाँ तक ठीक है जो गेम हुआ था ठीक है उसमें जो है झारखंड का पांचवा रैंक था फिफ्थ रैंक झारखंड का था और जो पहला रैंक था वो सर्विसेज नामक टीम का था ठीक है दूसरा जो रैंक था वो मणिपुर का टीम का था हाँ झारखंड टोटल 96 मेडल जीत के लाया था 96 मेडल क्या क्या था गोल्ड कितना था 33 सिल्वर 33 सिल्वर और ये गोल्ड है सॉरी सर गोल्ड 33 था गोल्ड 33 था हां उसके बाद सिल्वर कितना था सिल्वर सर 26 था 26 गो 37 गो ब्रॉन्ज सर 33 गोल्ड था 26 सिल्वर और तीसरा गेम हुआ था 33 को गोल्ड था याद रखना कि ब्रॉन्ज था सर गोल्ड का 33, 26 और 37 टोटल 96 था ठीक है जो पहला उसमें टीम था वो जान लो सर्विसेज टीम था और जो स्टेट का टीम था सेकंड में मणिपुर सर्विसेज मणिपुर हरियाणा उसके बाद जो सो महाराष्ट्र झारखंड लेकिन जानना है कि सर्विसेज जो सो पहला टीम था और मणिपुर और
एमओएच फारूक, ठीक है, एमओएच फारूक के द्वारा क्या किया गया? जैसे झारखंड में कुछ कुछ जैसे बॉडी का भी गठन किया गया है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए झारखंड स्टेट में, ठीक है, कुछ कुछ स्पेशल बॉडी का गठन किया गया जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ, ठीक है, एसएआई के नाम से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, ये किया गया था 2006 में, याद रखना इसको डेट से। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, इसका मेन उद्देश्य क्या है? यहाँ पे जो है खेल का, जो खेल को प्रोत्साहन देना, ठीक है, पॉलिसी नहीं है, स्पोर्ट्स ही है। जैसे अगर हम लोग स्पोर्ट्स पॉलिसी का बात करें, ठीक है, तो जैसे झारखंड में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आया है, याद रखना है, हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स पॉलिसी में क्या क्या चीज का हम लोग बात किए थे ना, जब अलग अलग नीति पढ़े तो उसमें स्पोर्ट्स पॉलिसी भी पढ़े थे। तो जो पहला स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था 2007 में आया था, ठीक है, फिर 2022 में, फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी है। उसमें इससे अलग अलग बात की थी ना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर कितना प्राइज मिलेगा या फिर सारा चीज था ना उसका, तो स्पोर्ट्स पॉलिसी देखेंगे। बस 2007 और 2022 वो आया था, लेकिन जो सो उसी को अपडेट करके ये बोल रहा है 2022 में, ठीक है, मतलब वो, लेकिन ये 2007 और 22 पहला स्पोर्ट्स पॉलिसी साथ में याद रखना है। यहाँ पे जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी बनाया जा रहा है झारखंड में, ठीक है, ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है, ये झारखंड गवर्नमेंट ऑफ सीसीएल की मदद से। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इसमें बात किया गया टोटल अलग 15 अलग अलग स्पोर्ट्स को लेकर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे करंट में जो बहुत सारा कुछ कुछ इवेंट हुआ है, बहुत सारा अलग अलग देखेंगे, हाँ बात किए ना हम लोग, उसके बाद जो सो एनआईएस पटियाला हाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे है ना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मतलब कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कोर्सेज होगा या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीजों को डेवलप किया जाएगा, हाँ पटियाला में बना है।